नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बकरी पालन पर आपसे चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस योजना का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं, कैसे हमें प्रोसीड करना है। चलिए हम बात करते हैं। आज जनसंख्या अपने चरम पे पहुंच चुकी है, दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जिससे मांस, अंडा, दूध, ऊन और चारा, इन सब में दिन प्रतिदिन उतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं हो पा रही है जितनी कि इसकी रिक्वायरमेंट है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए और मजबूत विस्तार मशीनरी के माध्यम से यह योजना आगे बढ़ाई जा रही है। शहर हो या गाँव, प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता उतनी नहीं है जो मानक के अनुसार है, साथ ही साथ दूध की वह क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। इसी को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत बकरी के उद्योग को बढ़ावा देना है। सबसे पहले तो इसमें कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, किसान हो या स्वयं सहायता समूह या किसान सहकारी संगठन या संयुक्त देयता समूह इत्यादि इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह दी हुई वेबसाइट पर लॉगिन करना है और इसमें अपने मोबाइल नंबर के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। एक बार मोबाइल नंबर आप दे देते हैं तो वह पंजीकृत मोबाइल नंबर हो जाता है और आपको आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होता है। इस पोर्टल पर जाने के बाद आप यह ऊपर लिखे हुए दस्तावेज अपलोड करेंगे। मुख्य दस्तावेज यही है कि आवेदक का पता प्रमाण, पिछले 3 वर्षों का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, 3 वर्षों का आयकर रिटर्न, पिछले 6 महीने का बैंक विवरण, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्कैन की हुई फोटो और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर। कम से कम 500 मादा एवं 25 नर बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना इस योजना के अंतर्गत की जानी है। बकरी और भेड़ उद्यमिता योजना के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर, किन किन वस्तुओं पर सब्सिडी मिलेगी? ये जो सामने लिस्ट है, इन वस्तुओं पर ही वित्त पोषण होता है भेड़ और बकरी उद्यमिता योजना के अंतर्गत। जैसे कि मूल स्टॉक के लिए हाउसिंग शेड का निर्माण और किड शेड, सिक पेन, डो की लागत, बक की लागत, परिवहन की लागत, चारा की खेती, चैफ कटर, चारा काटने की मशीन, साइलेज बनाने की मशीन, उपकरण, बीमा और अन्य थोड़े बहुत और वस्तुओं पर। 50% सब्सिडी के अलावा अन्य पैसा आपको बैंक से ऋण लेके आप पूरा कर सकते हैं और ऋण किसी भी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जब आप पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जब आवेदन करेंगे तो देखेंगे कि ड्रॉप डाउन सूची से आप कोई भी अपना पसंदीदा बैंक चुन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन हुआ, नंबर 2 पे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी SIA द्वारा आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, फिर ऋणदाता द्वारा ऋण की मंजूरी होगी, 4th नंबर पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुशंसा होगी इसकी, फिर DAHD द्वारा सब्सिडी की मंजूरी की जाएगी और उसके बाद सब्सिडी का वितरण और जारी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो 50% सब्सिडी मिल रही है वह 2 किस्तों में मिलेगी। सबसे पहले तो 50% सब्सिडी की जो पहली किस्त है वो SIDBI द्वारा ऋण देने वाले बैंक में प्रदान की जाएगी जहां पे लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी प्रदान की जाएगी जब लाभार्थी ने बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना की लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। बाकी की जो 50% सब्सिडी है वो परियोजना के पूरा होने पर और राज्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद में SIDBI द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर इस योजना से संबंधित आप अन्य दिशा निर्देश जानना चाहते हैं तो NLM उद्यमी मित्रा पोर्टल पर जाकर आप जान सकते हैं। सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ बनाए जा सकें। धन्यवाद।